ओके सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल सविताज पाठशाला। तो होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर का भी होने वाला है टोटली दी एंड, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मैं जैसे शेड्यूल बनाई थी उस हिसाब से जो नेक्स्ट होगा उसे करेंगे बहुत ही जल्द। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम 2 महीने में 4 कंप्लीट कर चुके हैं तो हम आराम से 7 महीने में आराम से हम 14 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रिवाइज करेंगे और फिर लास्ट टाइम में जब हमारा एग्जाम आएगा तो हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या बोला है अभी देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2.2 एंड बी 2.8 इंटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ए और बी दो पॉइंट्स है, ठीक है, मतलब एक लाइन बना रहे हैं ये दोनों मिलके। कितना नंबर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या बोला है, हाँ, तो ए जो है हमारा वो है -2.2, ठीक है। और यहाँ से हमारा ऐसे करके लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी। और बी है हमारा 2.8, ठीक है, 2.8। और हमें ऐसे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन लाइन को 4 इक्वल पार्ट में, यानी कि ये एक पार्ट हुआ, फिर यहाँ पे ये दो पार्ट हुआ, फिर यहाँ पे आएगा, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट है लाइन के बीच में जो कि इस लाइन को 3, कितना लाइन हुआ, 2, 3, 4, हाँ 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 पॉइंट जो है ये इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और हमें इन्हीं का ही कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो इसे मान लो पी क्यू और ये आर, ठीक है। तो इस टाइप का पहले ही हम क्वेश्चन किए थे जिसमें 2 इक्वल पार्ट में बोला गया था, सॉरी 3 इक्वल पार्ट में बोला गया था, और यहाँ पे बस 4 इक्वल पार्ट बोला है, यानी कि बस एक बढ़ा दिया है। तो मानो थोड़ी देर के लिए क्यू और आर को भूल जाओ, है ना। तो यहाँ पे बस मान लो कि ये ऐसे हमारा ए है, ये बी है और यहाँ पे पी है, ठीक है। और हमें पता है कि ये लाइन जो है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, और अगर ये हमारा एक पार्ट अकेले खा जा रहा है तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा ना, यानी कि 1:3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। पी इस लाइन को, यानी कि पी ए बी को 1:3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, समझे, नहीं समझ आया, मैं फिर से समझाती हूँ। देखो ए और बी जो है बोला गया है कि यहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट है, मतलब 3 ऐसे पॉइंट है जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें इतना पता चला कि पी जो है वो हमारा एक पार्ट अकेले ही ले जा रहा है, तो पी के अलावा जो बाकी है इधर कितना बचेगा, 4 से 1 गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 ही बचेगा ना, तो 1:3 पार्ट में हो गया। फिर यहाँ पे हम m:n वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज करके निकालेंगे, ठीक है, पी का निकाल लेंगे। फिर वैसे ही क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे बीच में लग रहा है, यानी कि 1-2 इधर 1-2 इधर, यानी कि 2:2, यानी कि 2/2 तो 1 ही बन गया, यानी कि क्यू क्या है इस लाइन का मिड पॉइंट बन जाएगा, समझे, ये मिड पॉइंट बन जाएगा। तो वही m n वाला यूज कर सकते हो या फिर मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लो। जैसे p हमारा 1:3 में कर रहा है, वैसे q यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे 1 हो रहा है, यानी कि 3:1 में डिवाइड हो रहा है। ऐसे तुम पहले रेफरेंस बना लो, फिर उसके बाद उसे गिन गिन के करोगे ना तो अच्छे से इजीली समझ आएगा, क्योंकि ऐसे बस बना लोगे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो हम बना लिए ऐसे करके, हमें यहाँ पे ढूंढना था कि p जो है वो कितना नंबर कैसे मतलब डिवाइड कर रहा है, तो p के आगे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो p कर रहा है इसे 1:3 में। q को मान लो तो यहाँ पे 1, 2, तो यहाँ 2 आया, यहाँ भी 1, 2, ये 2 आया, यानी कि ये मिड पॉइंट आ गया। फिर r क्या है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे बचा 1, तो ये 1, तो 3:1 ऐसे डिवाइड कर रहा है। थोड़ा सा ऐसे गिनती कर लोगे तो ज्यादा इजिली समझ पाओगे, है ना। तो पहले हम p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मान लो p को x, y मान लिए, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लिए, फिर अब m:n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे,
तो m इज टू n जो होता है क्या हुआ, ये 1:3 है ना, m इज टू n इक्वल टू 1:3 आया हमारा। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। तो m क्या है, 1 है, x2 क्या है हमारा, b का जो है एब्सिसा वो क्या है हमारा 2, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और y का कोऑर्डिनेट को हम ओर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट को ओर्डिनेट बोलते हैं y का। फिर यहाँ पे प्लस n क्या है हमारा 3 है, फिर x1 क्या है हमारा -2 है, ठीक है, बाई 4, क्योंकि m प्लस n 3 प्लस 1 4 हो गया, यह बना 2, ये -6 बन गया, ठीक है, बाई 4। तो बड़ा के आगे माइनस है तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, है ना, और 6 से 2 जाएगा तो बना 4/4 यानी कि -1। x का क्या कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है हमारा -1। यहाँ पे अब निकाल लेंगे y इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एम वाई टू, ठीक है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। y क्या है हमें निकालना है ना, y इक्वल टू एम क्या है हमारा 1 है, y2 क्या है हमारा 8 है, प्लस n है हमारा 3 और y1 है हमारा 2, ठीक है, बाई 4। तो ये बना 8 प्लस 3 टू जा 6 बाई 4, यानी कि ये बन गया हमारा 14/4। तो ये डायरेक्टली तो पूरा नहीं कटेगा, तो इसे हम ऐसे छोटा कर सकते हैं 7/2 करके। 7/2 हमारा कितना आता है, 3.5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा y का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि therefore यहाँ पे लिख लेंगे, therefore the कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू -1,7/2। वैसे ही x का भी निकाल लेंगे, फिर y का भी निकाल लेंगे, है ना, x और y का निकाल लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा तीनों को मिला के, फिर लास्ट में therefore करके लिख लेंगे। तब q का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे q का निकालना है, q का हम वैसे ही रेफरेंस पिक्चर बना लेते हैं पहले, है ना, ये b है, ये a है और ये हमारा q है, ठीक है। तो q क्या आ गया हमारा, यहाँ पे p था और यहाँ पे r था, ठीक है। तो ये p और r को छोड़ दो, बट यहाँ पे अगर p होता तो यहाँ पे 1, 2 होता, यहाँ पे r होता तो 1 और 2, है ना, यानी कि इधर दो पार्ट में है और इधर दो पार्ट है, यानी कि ये बीच में सीधा लाई कर रहा है ना, यानी कि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लो या फिर डायरेक्टली m इज टू n करके भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि q इज लाई इन मिडिल ऑफ दिस लाइन, या फिर डायरेक्टली m इज टू n वाला फॉर्मूला लोगे जिसमें m और n दोनों का वैल्यू 2 लोगे, ठीक है। तो m इज टू n यानी कि 2:2 लेना है ना, हो गया। और फिर यहाँ पे भी इसे भी हम x और y लेके मान के चलो, ठीक है, q के लिए ये q जब ले रहे तो ये x और y बन रहा है, p ले रहे तो वो xy बन रहा है, r जब लेंगे वो भी xy बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लिए तो x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ठीक है, m है हमारा 2, x2 क्या है, x2 हमारा 2 बना है, ठीक है, और फिर प्लस एन क्या है हमारा 2 है और एक्स वन क्या है -2 है, बाई एम प्लस एन क्या बनेगा हमारा 2+2 यानी कि 4। तो ये 2×2 4 है गया, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस है, 2×2 4/4, ठीक है। तो यहाँ पे 0/4 बन गया, यानी कि ये 0 ही हो जाएगा। वैसे ही अब y निकालेंगे तो y एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। तो m क्या है हमारा 2 है, y2 क्या है हमारा y2 है 8, प्लस n क्या है 2 है, y1 क्या है हमारा 2 है, बाई 4, 8×2=16, प्लस ये बना हमारा 2×4/4, तो ये बना 20/4 यानी कि 5, ठीक है। हाँ, ये हमारा q का भी कोऑर्डिनेट आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे therefore the कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू 0,5, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा q का है, q कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि x हमारा 0 है तो ये y लाइन में यानी कि y एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है। तो अब वैसे ही रेफरेंस पिक्चर हम बना लेंगे r के लिए भी, ये हमारा a है, ये b है और ये यहाँ पे r है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे पी आएगा। तो यहाँ पे अगर ये तीन पार्ट में है ना, यहाँ पे अगर ये दोनों है तो कितना पार्ट में हो रहा है, ये एक और ये एक, यानी कि तीन पार्ट हो रहा है। और इधर कितना पार्ट हो रहा है, एक ही पार्ट हो रहा है। तो ये वन, यहाँ पे इस टू, ये थ्री है ना। देखो टेक्निक समझो कि जो पॉइंट ले रहे हैं उसके आगे कितना पॉइंट है। ऐसे तो तुम गिन सकते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पी है, यहाँ पे क्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट, यहाँ से यहाँ तक तीन पार्ट, तो ये तीन बना। यहाँ से यहाँ तक एक ही है तो ये एक बना, यानी कि ये थ्री इज टू वन पार्ट में आर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। पी होता तो यहाँ पे वन ही है बट एक ही पार्ट है, और यहाँ पे एक है, इधर दो है, फिर तीन है, यानी कि वन इज टू थ्री, यही किए हैं। क्यू में क्या है, ये एक, ये दो, इधर ये एक, ये दो, ठीक है। ये तुम्हें पता चल गया कि मिड में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्यू इज मिड, क्यू लाई ऑन मिडिल ऑफ दिस लाइन और डिवाइड दिस लाइन इन टू इक्वल पार्ट, ऐसे लिख के फिर तुम यहाँ पे डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हो। अदरवाइज तुम ऐसे एम एन लेके भी कर सकते हो, एक ही बात है ना। बट जो भी करो बस राइट करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें रॉन्ग नहीं करना है, हमें बेसिक क्लियर करना है, साथ ही साथ एग्जाम में मार्क्स भी हमें गेन करना ही है। तो आर हमारा ऐसे थ्री इज टू वन आ गया है ना, तो अभी आर को हम एक्स और वाई ले लेंगे। फिर यहाँ पे एक्स इक्वल टू एम एक्स वन, सॉरी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। तो एम, सॉरी एम क्या है हमारा, एम, ठीक है, एम है हमारा थ्री। एक्स टू क्या है हमारा, एक्स टू है हमारा टू, प्लस एन क्या है वन, एक्स वन क्या है माइनस टू बाई फोर। तो यह बना हमारा सिक्स माइनस टू बाई फोर, यानी कि यह बना फोर बाई फोर इक्वल टू वन। तो यह हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, वन। यहाँ पे वाई निकालेंगे, वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। तो एम क्या है हमारा थ्री आया, वाई टू क्या है हमारा, वाई टू है एट, प्लस एन क्या है वन है, वाई वन क्या है टू है बाई फोर। तो ये बना ट्वेंटी फोर प्लस टू बाई फोर, यानी कि ट्वेंटी सिक्स बाई फोर। तो ये भी हमारा डायरेक्टली पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा टू बाई, सॉरी थर्टीन बाई टू, यानी कि ये कितना आएगा हमारा 6.5 ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया, तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इक्वल टू 1,13/2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल थ्री पॉइंट्स व्हिच डिवाइड, ठीक है, व्हिच डिवाइड ए एंड बी इन फोर इक्वल पार्ट आर, लिख लेंगे यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट, माइनस वन कमा सेवन बाई टू कमा फिर जीरो कमा फाइव कमा लास्ट वाला क्या है हमारा 1,13/2। तो ये हमारा तीनों, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 करके इस चैप्टर को टोटली क्लोज कर देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।